यो आकाशवाणी जम्मू है, महामा मुबारक मुआयर ते अनवर चौधरी कोलों गोजरी मां खबर सुनो। पहले खास खास खबर, कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जिला पुंछ मां जम्मू कश्मीर कब्जा लकीर व तजारत मामला मां कम अज कम 9 मकामात व छापामारी की है। मेहनत ते रोजगार का मरकजी वजीर भूपिंदर यादव ने कहा है कि ई मजदूर पोर्टल के जरिए 2.5 करोड़ मजदूरों ना दर्ज कियो गयो है। सरकार ने बच्चा ना बीमारी तू महफूज रखने की खातर कोविड वबा के दौरान बच्चा ना तरजीह बुनियादों वैक्सीन लाने बारे कहो ते मुल्क गिर कोविड वैक्सीन टीकाकारी मुहिम के तहत अजा तोड़ी पूरा मुल्क के अंदर 90.79 करोड़ वैक्सीन की खुराक लोगों ला दी गई है। खबर की तफसील नाल पहला अनवर चौधरी पर उसने पहला यो सुनियो। पूरा मुल्क में 18-12 से ऊपर की उम्र का लोगों ना कोविड मुखालिफ टीका लाने की मुहिम जारी है, लिहाजा हर शख्स ना यो टीको लवाना चाहिए ते नाल ही सरकार की तरफों वजा की गई हदायतों पर जरूरी अमल करना चाहिए। जिन माह मुंह ते नक पर मास्क लगा रखना, घटो घट 2 गज की दूरी बनाकर रखनो, भीड़ वाली जगह पर जान तो परहेज करनो ते फजूल करूं बार नहीं जानो शामिल है। कोविड वबा को खतरो अजा टलियो नहीं, लिहाजा एहतियात जरूरी है। ते इस सिलसिला में मजीद जानकारी वास्ते इन नंबरों पर राबतो कियो जा सके 011-239-28046 या 1075। सरहद पर कब्जा लकीर तजारत का मामले में कौमी तहकीकती एजेंसी ने कई मुकाम पर छापेमारी की है। जरिया के मुताबिक 9 जगह पर छापा मारा गया है। वाजर है कि कैलिफोर्निया की बादाम गिरी बरामद का सिलसिला में पाकिस्तान की तरफ भारत में बड़ा पैमाना और रकम मौसूल होने का मामला में तफ्तीश चल रही है। कौमी तहकीकती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस का तावुन CRPF से ITBP की मदद नाल जिला पुंछ का मशकूक ताजरा का ठिकाना और छापे मारे हैं। इस सिलसिला में एजेंसी मस्कूरा ने दिसंबर 2016 में एक इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज की थी और गैर कानूनी कार्रवाई रोकथाम कानून की दफा 17 के तहत मामला दर्ज किए थे। इस सिलसिला में अंदरूनी मामला की वजारत ने एक हुक्म भी 9 दिसंबर 2016 ना जारी किया था जिसके तहत यह मामला दर्ज किया गया था। अंदरूनी मामला की वजारत के मुताबिक इस वक्त खबर मौसूल हुई थी कि सरहद उस पार तो कब्जा लकीर तजारत के बहाने गैर कानूनी तौर रकम भेजी जा रही है। वाजर है कि भारत और पाकिस्तान के बीचकार एतमाद बहाली का मकसद नाल साल 2008 में यह तजारत शुरू की गई थी और यह तजारत सामान के बदले सामान की बुनियाद पर शुरू की गई थी और किसी तीसरा फरीक को सामान इस सरहद पर ले जाने की इजाजत नहीं थी और यह मामला पाकिस्तान की तरफ भारत में कैलिफोर्निया का बादाम पेजन को है। अपनी छापामारी के दौरान एजेंसी ने कई दस्तावेजात डिजिटल आलात ते दीगर मुश्तबा रिकॉर्ड जब्त किए हुए हैं। मेहनत और रोजगार मरकजी वजीर भूपिंदर यादव ने कहा है कि सरकार मजदूरों और वर्करों की भलाई बेहतरी वास्ते खातर खा इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को नारा है मेहनत को सम्मान, अधिकार एक सम्मान। वजीर मौसूफ आज चंडीगढ़ में शर्म ब्यूरो भवन से चंडी 10 के वर्करों की एक रैली ना रवाना कर दिया था। वजीर मौसूफ ने कहा है कि पूरा मुल्क के अंदर वर्करों और मजदूरों का पूरा क्वाइफ दर्ज किया जाएगा और इनकी भलाई बेहतरी वास्ते के इकदाम किया जाएगा। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने रियासत का वज़राए मेहनत और रोजगार नाल गलबात की और मरकजी इंतजाम वाला इलाका का सेक्रेटरिया नाल भी वर्करों और मजदूरों की फलाह बहबूद और तरक्की वास्ते कई मुद्दों पर गलबात की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कई मजदूरों में श्रम कार्ड भी तकसीम किया है। एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन की मंजूरी वास्ते खतूत भी जारी किया। ये कार्ड उन लोगों ने दिता गया है जिनका रिश्तेदार कोविड वबा के दौरान वफात पा गया था। कश्मीरी अखरोट की फसल की पहली रसद हाल ही में जिला बडगाम से टोरी गई है। तजारत वजारत की तरफों चलाई गई मुहिम एक जिला एक मसनूआत के तहत 2000 किलोग्राम अखरोट एक ट्रक के जरिए बंगलोर कर्नाटक टोरियो गयो है। वाजर चे मुल्क में अखरोट की पैदावार का सिलसिला में 90% हिस्सों कश्मीर को है ते इनका आला मयार ते स्वाद की वजह से दुनिया भर में बड़ा पैमाना और इसकी तलब की जाए। मुकामी ते आलमी मंडियां में अपनी जगह बनाने वास्ते इस मसनूआत में बेपना सलाहियत मौजूद है जिस ना मानता हुआ कश्मीरी अखरोट ना बड़ा पैमाना और भारत में दरामद की जा रही है। वाजर है जे एक जिला एक मसनूआत मुहिम के तहत कश्मीर में शराकत दारा नाल इसकी मंडियां बारे मुशावरत शुरू कर दी गई है।
आज आलमी रिहायशगाह को त्याड़ो मनाया जा रही है, जिसको मकसद एक ऐसी दुनिया में हर एक वास्ते मुनासिब परागात रिहायशगाह का बुनियादी हक न बादो देनु है, जेड़ो कानो आबाद ते शहरियत का असरात ते मुतासर होयो है। वाजर है जे यो त्याड़ो हर बरे अक्टूबर महीना का पहला सोमवार न मनायो जे। आलमी मस्कन त्याड़ा साल 2021 को मरकजी मौजू कार्बन ते पाक दुनिया वास्ते शहरा की कोशिश में तेजी लियानो है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमल आवरी को जायजो लेन वास्ते जिला राजौरी का डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार शवन ने अफसरों की एक मीटिंग मुनक्कत की। इस मीटिंग में जिला के अंदर इस एक्ट ना पूरी तरह अमलान बारे सोच विचार हुआ और मुस्तहिक लोका ना इस एक्ट को पूरी तरह फायदेदवान को अयादो की गयो और मुलाजमन हदायत जारी की गई कि इस कानून ना अमलान मा किसी भी किस्म की सुस्ती ना दसी जाए और किसी भी मुस्तहिक शख्स ना इससे महरूम न रख जाए। महकमा बागवानी जम्मू का डायरेक्टर राम सेवक ने गुजश्ता रोज रियासी पंचायत अगर जित्तो में मुनकदा एक बेदारी कैंप में हिस्सा लियो। डायरेक्टर मौसूफ ने बागवाना और किसाना नाल खिताब करतवा उन्हें बागवानी और काश्तकारी बारे जानकारी दी और अपनी पैदावार बदान का कई गुर सिखाया। उन्हें मजीद क्यों कि किसाना और बागवाना वजीर आजम की तरफ शुरू की गई कई स्कीम को फायदा उठानो चाहिए, जिनमें प्रधानमंत्री छोटा अनाज यूनिट कायम करन, आत्मनिर्भर भारत अभियान और कई दीगर स्कीम शुरू की गई है, उनते पूरा फायदा उठान वास्ते बांध आना चाहिए। जनाब राम सेवक ने किसाना और मजीद जोर पायो कि वे रवायती बागवानी और खेती बाड़ी के अलावा दीगर मुख्तलिफ और जदीद किस्म का तरीका ना भी अपनावें और पैदावार न ज्यादा तो ज्यादा बढ़ावें। यह खबर तम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहा है। खबरों का बाकी हिस्सा मोहम्मद मुबारक माहिर। मरकजी हुकूमत मुल्क में बच्चों वास्ते कोविड 19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के दौरान संगीन बीमारियां ते मुतासर बच्चों ने तरजीह देगी। टीकाकारी के बारे कौमी तकनीकी सलाहकार ग्रुप NTAGI का सरबराह डायरेक्टर NK अरोड़ा ने कहो जो बाकी सेहतमंद बच्चों ने बाद में ये कोविड हफाजती टीका लाया जाएगा। नब अरोड़ा ने कहो जो हुकूमत इस सिलसिला में एक हफ्ता के अंदर अंदर रहनमा हदायत जारी करेगी। 12-18 बरह बिशकार की उम्र का बच्चा ना टीका लाण का सिलसिला में हुकूमती मनसूबा के बारे गल करता हुआ NTAGI का सरबराह ने कहो जो वे उन बच्चों की निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं जिनना सबसे ज्यादा मादा होने को खतरो है तो उन्होंने शिफाखाना में दाखिल कराने की लोड़ है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहो जो इस सिलसिला में 2 हफ्ते के अंदर अंदर या फहरिस्त लोगों वास्ते तैयार कर दी जाएगी। उन्हें क्यों जो हुकूमत मुल्क का बख बख हिस्सा में बंदोबस्त करन को जतन कर रही है ताजे इन बच्चों ना सफर कर खातर जहमत न करनी पे। भारत मंशियात रोकथाम जर्नल ने अगस्त महीना में बालक अफराद ते 12 बरह ते मती उम्र का बच्चा में हंगामी तौर इस्तेमाल करन खातर जाइडिस कार्डिला का DNA टीका का इस्तेमाल की मंजूरी दी है। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत हुन तोड़ी 90.89 करोड़ ते मता लोगों ने कोविड 19 मुखालिफ टीका लाया जा चुका है। वजारत सेहत को कहना है जे गुज़श्ता रोज 3,46,000 ते मता टीका लाए गए हैं। वजारत के मुताबिक बल होने वाले लोगों की शरह 97.89% हो गई है, जेड़ा जे पिछला बरह मार्च महीना तो बाद सब ते मती शरह है। पिछला 24 घंटा के दौरान 26,000 ते मता मरीज शफायाब होया है। इस तरह इस वबा तो बल होने वाले की कुल गिनती 3,31,21,247 तोड़ी पुज गई है। इस वबा संग मरने वाले की गिनती 4,48,997 हो गई है। इतने जम्मू कश्मीर में भी कोविड वबा का सिलसिला में पिछला 24 घंटा में 1,41,241 अफराद ने यह कोविड मुखालिफ टीका लाया गया है, जिस संग जम्मू कश्मीर में इन टीका की गिनती 1,18,46,671 हो गई है। जम्मू कश्मीर का 18 बरह से ऊपर उम्र का 87.99% लोगों ने कोविड मुखालिफ टीका लाया गया है। जबकि मरकज की इतलात नशरियात ते नौजवान खेड का वजीर अनुराग सिंह ठाकर ने कहो जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क का तमाम शहरों ना कोविड मुखालिफ टीका मुफ्त लाया जाएगा। उन्हें कहो जो मरकजी हुकूमत इस टीकाकारी मुहिम के दौरान अपना मुल्क का बाशिंदा ना करीब 35,000 करोड़ रुपया का खर्चा भर ये कोविड टीका मुहैया करा रही है। हुकूमत ने जिला उधमपुर का 6 नवा सियाती मकामा ना भारत का सियाती नक्शा पर लैंड खातर मंजूरी दी है। इंतजामिया ने नौजवानों की तरबियत दई खुदकार को रोजगार इदारा में नवा सैर सपाटा एलिथइया वास्ते राकारा का तौर पर की। मरा जिलेनामा नगर उधमपुर के मुताबिक बेरोजगार नौजवान मुस्तकबिल मां सैलानिया का राकार बनने वाले पास रुख करता हुआ अपना ग्राय मां मकामी कुदरती खूबसूरती चश्मा पहाड़ा ते दीगर मकाम की कशिश ना लौड़ गया इलाका मां सैलानिया को त्या रागब करवावेगा। इस सिलसिला में मारा नमा नगार नाल गल करता हुआ डायरेक्टर दई खुदकार रोजगार तरबियत इदारा ते जेर तरबियत नौजवाना ने इस तरह क्यों
उधमपुर में आरसीटी चल रही है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके यहाँ डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से चलाया जा रहा है, ट्रैवल एंड टूरिस्ट गाइड्स का प्रोग्राम, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे कि वो टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए ये 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि वहाँ के यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है वो इस टूरिस्ट गाइड को एक प्रोफेशन के रूप में लेके अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे और अपने लिए एक रोजगार का साधन भी जमा। मेरा नाम अंचल सिंह है, मैं पंजारी का रहने वाला हूँ। हमारा यहाँ टूरिस्ट गाइड का कोर्स चल रहा है और कोई भी प्लांट्स है उनके बारे में हम उनको डिटेल से बताएंगे तो वो वहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो एक दो दिन के लिए भी आया होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उधर स्पेंड करके जाएगा, इससे हमारी इकोनॉमी पे इम्प्रूवमेंट। इस कनाली खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।